नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे GMDC शेयर के बारे में, क्या आपको इस शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए या नहीं, और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर करके देंगे। शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो क्या इंडिकेट करें, सारा A to Z क्लियर करके देंगे। तो गाइज, अगर आप जो इस शेयर में निवेशक हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलेगा इस स्टॉक का जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे GMDC शेयर के बारे में, इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, और इस शेयर में जो है मोमेंटम जो है वो क्या बन रहा है, फाइनेंशियल्स का इंडिकेट करें। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में स्टॉक 7% करेक्ट हुआ है, पिछले 1 महीने में 13% उछला था, पिछले 6 महीनों में इसने आपको मल्टीबैग रिटर्न बना के दिए थे, और एक काफ़ी शानदार तेज़ी शेयर में बनी हुई थी, और अपने आप किसमें 500 के टारगेट दिए थे और 500 के लेवल्स को इसने जो है टच किया स्टॉक ने। उसके बाद जो अपर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आई, तो गाइस अपर लेवल में जो था प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 6 महीनों में जो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और क्या स्ट्रॉन्ग एक बुलिश ट्रेंड और एक बुलिश मोमेंटम में शेयर में बना, और कितना लंबा स्ट्रेच था। तो इस स्ट्रेच के बाद जो है एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलनी ही थी गाइस। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, जिस हिसाब से GMDC में बाइंग हो रही, तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर पोजीशन बना के चलिए, GMDC जो है आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये शेयर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी उन्होंने भी जो है स्टॉक में बाई कॉल दी है और कहा है कि आप लोग जो है GMDC में बाइंग कर सकते हैं, इनके जो बॉन्ड्स वगैरह उनमें A+ रेटिंग मिली हुई है। तो GMDC एक बाई कॉल रहेगी, और इस पर ट्रेडर्स भी काफ़ी बुलिश, इतने ख़राब रिजल्ट आने के बावजूद भी शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, GMDC में आप जो है बाइंग करके चलिए, ये शेयर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो चलिए अब इसका चार्ट सेटअप आपको एक्सप्लेन करते हैं। कंपनी जो है फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, और ग्रोथ आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो चार्ट सेटअप अब आपको इसका समझाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपको GMDC का चार्ट सेटअप समझाते हैं। तो चार्ट सेटअप आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या शानदार बन रहा है, और क्या शानदार रैली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में बनी थी, और एक तरफा स्टॉक जो था मूव किया था, लेकिन थोड़ी अब जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग शेयर में अपर लेवल में देखने को मिली, तो अभी भी जो है अपवर्ड ट्रेंड इसमें इंटैक्ट है, थोड़ा शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट और थोड़ा जो है वीक सेंटीमेंट आपको बनता हुआ दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के देगा। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से शेयर जो है 700 से 800 तक के जो है टारगेट आपको बड़े रहे आराम से जो अचीव करके देगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, GMDC में आप लोग जो है बेफिक्र के पोजीशन बनाइए, लॉन्ग टर्म के ये शेयर काफ़ी बढ़िया है, और काफ़ी बढ़िया आपको रिटर्न जो इस शेयर में देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म में भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन पहले भी हम आपको कह चुके हैं यहाँ पे आपको 500 के टारगेट देखने को मिलेंगे, वो आपको जो है अचीव हो चुके हैं, और अब जो हम इसको अपग्रेड करके 700 के टारगेट रख रहे हैं नेक्स्ट। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको अच्छी खासी कमाई का मौका मिल जाएगा। तो आप लोग जो है बेफिक्र शेयर में पोजीशन बनाइए, 700 के टारगेट कहीं नहीं गए लॉन्ग टर्म में, कंपनी का जो चार्ट सेटअप है वो काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज, इस और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।